स्थिति निर्मित नहीं होगी जो 2018 में हुई थी। और पल पल का अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तमाम राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ मध्यप्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार जेपी पाराशर जी मौजूद है, इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता मंत्री जैन जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। और छत्तीसगढ़ के मेहमान बीजेपी प्रवक्ता सुनील चौधरी जी हमें नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, बहुत स्वागत है सर। और कांग्रेस प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले पाराशर जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और इसके साथ ही जो बाकी दोनों राज्य हैं सर, उसको लेकर भी आपका ओपनिंग रिमार्क बहुत महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश में कड़ी फाइट, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीजेपी ने कम बैक किया है वो वाकई में चौंकाने वाला है। तेलंगाना की अगर बात करें तो यहाँ पर तो कांग्रेस कमाल करती हुई एग्जिट पोल्स में नजर आ रही है, लेकिन राजस्थान क्या लग रहा है सर, सियासत के जादूगर का जादू राजस्थान में इस बार चल पाएगा? अब तक हालांकि ये बहुत जल्दी है अगर कोई निष्कर्ष पर पहुंचना, लेकिन अब तक के जो रुझान हम देख रहे हैं उसमें एक बात साफ नज़र आ रही है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काफ़ी क्लोज कंटेस्ट है। राजस्थान में बीजेपी थोड़ा आगे दिखाई पड़ती है और जो तेलंगाना है वहाँ टीआरएस आगे दिखाई देती है, कांग्रेस आगे दिखाई देती है। तो ये तो एक बहुत साफ है, लेकिन ये हमने पूरा अगर हम कैंपेन गौर करें कांग्रेस का तो उसमें दो तीन बातें बड़ी साफ है कि दो तीन नैरेटिव्स हैं जिनकी ये एक संघर्ष है वो अब हमारे सामने, चूंकि मुझे लगता है कि आधा पौन घंटे में या दो घंटे में तो पूरी पिक्चर ही साफ हो जाएगी। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो जैसा हम सोच करके या समझ करके चल रहे थे, जो एक आकलन था कि ये जो संघर्ष है मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का काफ़ी क्लोज रहेगा, तो वो उस लाइन पर है। राजस्थान में जैसा कि मानकर चला जाता है कि वो बहुत हर पाँच साल में एक बदलने का ट्रेंड रखते हैं, निश्चित ही आपने जो अभी अपने एक रिमार्क में कहा कि राजस्थान में देखना चाहिए कि क्या वो इस बार अपनी जो रिवायत है उसको बदलेंगे, मुझे लगता है कि शायद वो बरकरार रखेंगे। तो ये अभी तक का जो है वो शिवराज सिंह चौहान की जो लाडली बहना योजना का एक उनका एक नैरेटिव था, और जो भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति अपनाई थी कि जो भी उनके सीनियर लीडर्स हैं उनको हम अपने अपने आपको बड़ी खबर हमारे दर्शकों को एक बार बता दें सर, लौटती हूं आपके पास, बातचीत आगे जारी रहेगी। लेकिन बड़ी खबर इसी बीच हमारे दर्शकों को बता दें रुझानों से जुड़ी हुई, और देखिए चित्रकूट से दीपक वैद, छत्तीसगढ़ से चित्रकूट से दीपक वैद इस वक्त पीछे चल रहे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चित्रकूट विधानसभा सीट दीपक वैद जो कि सांसद भी है, प्रदेश अध्यक्ष हाल ही में उन्हें कांग्रेस ने नियुक्त किया था, लेकिन फिलहाल वो पीछे चलते हुए नजर आ रहे, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे हैं। और बिल्कुल इसी बीच चलिए दिमनी से तस्वीर आपको दिखाते हैं, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर, और एक बड़ी खबर आपको बता दें दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर आगे चल रहे हैं, लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और कांग्रेस खास करके इधर बात करें अगर दिमनी को लेकर, तो केंद्रीय मंत्री को एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई थी, दिमनी के साथ साथ जो आसपास की सीटें हैं मुरैना की उनको भी साधने की इनको जिम्मेदारी दी गई। तो अपने फील्ड में भी काम किया, पूरे प्रदेश में भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया, और अब दिमनी से रुझान आना शुरू हुआ है। नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी में अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल रविंद्र सिंह तोमर इनके यहाँ से सामने प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन क्या होगा इस बार, बीजेपी के दिग्गज की साख दांव पर लगी है, बहुत महत्वपूर्ण है। नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त लीड लेते हुए नजर आ रहे, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे। राजेश मूणत क्या कुछ कह रहे हैं जल्दी से सुन लेते हैं। सरकार से मुक्ति के लिए जनता तैयार बैठी है, और जिस प्रकार का पब्लिक का रुझान और सर्वे का रुझान आया है, कांग्रेस पार्टी का ग्राफ डाउन जा रहा है, भाजपा का बढ़ रहा है। 75 प्लस की बात करने वाले सर्वे में 42, 45, 47 पर रुक गए, और बीजेपी 45, 46 तक पहुंच गई है। ये इस बात को अंकित करता है कि जन आक्रोश सरकार के प्रति था। जन आक्रोश की आपने बात की, तो किस तरीके का जन आक्रोश है, और जो मोदी गारंटी है उसका भी असर देखने को मिल रहा है? देखिए भय मुक्त सरकार, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार इस सरकार के अलग अलग आयाम है, जनता को राहत नहीं मिली लेकिन जनता भय में थी। जिस प्रकार से गुंडागर्दी का ग्राफ बढ़ा, जिस प्रकार से आतंक का ग्राफ बढ़ा, जिस प्रकार से शहर के अंदर लूटमार बची, और ये जनता त्रस्त हो चुकी थी। ये रायपुर शहर राजधानी छत्तीसगढ़ की है, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी के प्रति इस सरकार का सोतेला व्यवहार,
और जिस प्रकार के अनुकूल वातावरण होने के बाद भी ये डेवलपमेंट नहीं कर पा रही है सरकार। और चलिए इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें।